नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जी। और पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज सूर्य का महाराशि परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ उस पर उपाय हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग से करना चाहेंगे। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, सूर्यदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुलक टिप्स में हम बात करेंगे आज होने वाले सूर्यदेव के महाराशि परिवर्तन में से आप में से किन राशि वाले दर्शक बनेंगे नेम एंड फेम, किसके पास होगा अपना खुद का गाड़ी बंगला पैसा, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, ग्रह गोचर से जुड़ी हुई जानकारी हो, आपके दैनिक जीवनचर्या से जुड़ी हुई जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल चाय के साथ में इस शो को जरूर देखा करिए। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 14 मार्च 2021, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज चैत्र संक्रांति है। आज सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। संक्रांति पुण्यकाल आज प्रातःकाल 11:40 से ही आरंभ हो जाएगा। साथ ही आज से मीन मल मास भी प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र संक्रांति में स्नान, दान, जप इत्यादि का विशेष पुण्यकाल जो है वो सायकाल से आरंभ हो जाएगा। आज संपूर्ण दिन सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। आज रविवार को प्रातः सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप सूर्यदेव के सामने खड़े होकर अवश्य कीजिएगा। 11, 21, 51, 108 बार लाल रंग की गौ माता की सेवा आज अवश्य कीजिएगा। मिलेगी सरकारी नौकरी, बनेंगे नेम एंड फेम, मिलेगा यश मान वैभव जी। और पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन जो रहा है वो कब होगा और राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, 9 ग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा, पिता, पूर्वज, राज्य सम्मान, नेत्र और राजनीति आदि का कारक माना गया है। सूर्य के शुभ प्रभाव से विभिन्न सेवाओं में उच्च पद की प्राप्ति होती है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से अपमान, अपयश प्राप्त होता है। आंखों में पीड़ा प्राप्त होती है। पिता को कष्ट प्राप्त होता है। पितृदोष की स्थिति निमित्त होती है। आज सायकाल 6:04 पर, आज शाम को 6:04 पर सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में कि सूर्यदेव का मीन राशि में महाराशि परिवर्तन आप में से किन दशकों को बनाएगा अमीर, किन के पास होगा गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा, 12th हाउस में। अपने हार्डवर्क से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में आप सफल रहेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, लेन देन, जमानत, गारंटी इत्यादि से आपको दूर रहना है। उपाय क्या करना है? एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ के अंदर आपको धारण करना है। निश्चित तौर पर सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य आपकी राशि से 11th हाउस में 11वें भाव में गोचर करने जा रहा है। सूर्य का 11th भाव में गोचर आपको अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाएगा। फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे। नौकरी में अपने सीनियर्स का आपको सम्मान करना होगा। आंखों की देखभाल करनी होगी। उपाय क्या करें? रविवार के दिन माँ गायत्री जी की आराधना करें, कमल का पुष्प अर्पण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं,
सूर्यदेव आपकी राशि से 10th हाउस में दसवें भाव में संचरण करेंगे। दसवें भाव में सूर्य के संचरण करने से आपके पद प्रतिष्ठा में उन्नति होने के शुभ संकेत है। नौकरी के अंदर तरक्की उन्नति मिल सकती है। यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी के प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। उपाय, रविवार के दिन जरूरतमंद मरीजों को, जो नीडी पर्सन हो, जिनको दवाइयों की जरूरत हो, उनको दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। जी, और पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह कन्या इनके लिए भी जानना चाहेंगे। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्यदेव आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर नवम भाव में अर्थात भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, तो ऐसे में भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। अपनी मेहनत से आप अपने नौकरी व्यापार में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा समय साबित हो सकता है, बस अपना प्रयास कीजिएगा। उपाय, रविवार को वृद्धाश्रम में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्यदेव आपकी राशि से 8th हाउस के अंदर अष्टम भाव में गोचर करने जाएंगे, तो सूर्य का अष्टम भाव में गोचर निश्चित तौर पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको दो चार करवा सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखिएगा। अगले एक महीने बड़ी रिस्क वाला काम आपको नहीं करना है। उपाय, अपने मस्तक पर रोजाना केसर का तिलक लगाइएगा। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक है, सूर्यदेव आपकी राशि से 7th हाउस में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, बच्चों छात्रों के लिए शुभ संकेत है। कार्य क्षेत्र में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में टकराव से बचना होगा जीवन साथी के साथ। उपाय, रविवार के दिन गौ सेवा आपको अवश्य करनी है। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपको शुभ परिणाम देगा। जी, और अब तुला वृश्चिक धनु आपके लिए जानते हैं कि आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा सूर्य का राशि परिवर्तन। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक है, सूर्य आपकी राशि से 6th भाव में गोचर करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना। कंपटीशन अगर आप फाइट कर रहे हो तो कानूनी मामलातों में भी आपको आशा अनुरूप परिणाम मिल सकते हैं। उपाय क्या करना, रविवार के दिन सूर्यदेव को जल का प्रदान करें, गौशाला चले जाइएगा, बैल मिल जाएगा, बैल को गेहूं और चना खिलाइएगा। निश्चित तौर पर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्यदेव आपकी राशि से पंचम भाव में स्थित रहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल सफलता प्राप्त होगी, नौकरी रोजगार में बरकत बनी रहेगी और स्थान परिवर्तन के योग भी आपके बन सकते हैं। उपाय क्या करना है, रविवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में रोट गुड़ घी का भोग लगाइएगा। रोट गुड़ घी का भोग लगाइएगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्यदेव आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर गोचर करेंगे, संचरण करेंगे, कार्य क्षेत्र में नेम फेम तरक्की मिलने की पूरी पूरी संभावना है। जमीन जायदाद गाड़ी घोड़े बंगले का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस से मानसिक अवसाद से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना होगा। उपाय क्या करें, रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करें। निश्चित तौर पर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ परिणाम। जी, और अब आखिरी राशियां मकर कुंभ मीन आपके लिए भी जान लेते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक है, सूर्य आपकी राशि से 3rd भाव में संचरण करेगा, 3rd हाउस के अंदर गोचर करेगा, आपकी इच्छा शक्ति, आपके मनोबल में, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर वृद्धि होगी, कोर्ट कचहरी के मैटर्स में सफलता मिलेगी, उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। उपाय क्या करें, रविवार के दिन बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य आपकी राशि से 2nd हाउस में द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे, अपनी कार्यक्षमता प्रयासों के बल पर आप हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को अपने फेवर में कर सकते हैं, पॉजिटिव रहेगा। उपाय, रविवार को गेहूं के आटे का दान अनाथाश्रम में कीजिएगा।
अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य आपकी राशि में ही गोचर करेगा। आपके यश मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक समस्याओं का निदान होगा, नौकरी व्यापार में स्थिरता देखने को मिलेगी, घर का माहौल सुखद रहेगा। उपाय, रविवार के दिन अंधे बच्चों को आइसक्रीम अवश्य खिलाइएगा। निश्चित तौर पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। जी और पंडित जी, अब दिव्य मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे आखिर। आइए जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः। लाभ क्या है? क्या आप अपने विरोधियों को, अपने विरोधियों की, अपने शत्रुओं की कुटिल चालों से परेशान हैं? क्या आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपकी अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी व्यापार, अच्छे खासे सुखी लाइफ को, जीवन को बर्बाद करने में तुले हैं? यदि हाँ, तो इस दिव्य मंत्र ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, इस मंत्र को रोजाना 108 बार जाप करना आरंभ कर दीजिए। यदि आप प्रतिदिन इस सरल से मंत्र का जाप करते हैं तो आपके विरोधी, आपके शत्रुओं की कुटिल चालों से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपके नहीं चाहने वालों का हो सकता है सर्वनाश। ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, 108 बार प्रतिदिन इस मंत्र का जाप कीजिए। निश्चित तौर पर आपके नहीं चाहने वालों का होगा सर्वनाश। जी तो पंडित जी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।